नमस्कार, मैं दिव्या धारा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सांसद और माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुलाने वाले कातिलों में शामिल अरुण मॉडल शेरे आतिक व्हाट्सएप से भी जुड़ा हुआ था। यह ग्रुप आतिक के बेटे असद ने खुद बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रयागराज के अलावे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, कानपुर सहित यूपी के 20 से ज्यादा जिलों के साथ ही दूसरे प्रदेशों के भी तमाम लोग जुड़े थे। 28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक से रिलायंस इंश्योरेंस के उस प्रस्ताव के बारे में पूछताछ की जाएगी जिसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर रहते हुए रद्द किया था। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठने के हफ्ते भर बाद मलिक को यह समन मिला है। उच्चतम न्यायालय ने देश में मॉब लिंचिंग के शिकार के लोगों के लिए समान और उचित मुआवजा नीति अपनाने की जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना की एक पीठ ने प्रगति और सुधार के लिए कुछ भारतीय मुसलमानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने की सहमति व्यक्त करते हुए नोटिस जारी की है। अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद ही अदालती आदेशों का अनुपालन करने की यूपी सरकार की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हमें अफसरों को तलब करने का मजबूर न करें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की पीठ ने दर्शकों से जेल में बंद कैदियों की समय पर पूर्व रिहाई से जुड़े मामलों पर दायर याचिका पर अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। पीठ ने पाया है कि अवमानना मामला दायर करने के बाद एक दोषी के आवेदन पर विचार किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सांगिया कोट गांव के निवासी ने ईद नहीं मनाया। सेना का वट ट्रक इसी गांव की तरफ आ रहा था जिस पर गुरुवार को आतंकियों ने घात करके हमला किया था। दरअसल इस ट्रक में सांगियाट में होने वाले इफ्तार पार्टी के लिए फल और अन्य सामान ले जाया जा रहा था। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार शरीफ के पहाड़पुर मोहल्ले में शनिवार को अचानक एक झोपड़ी में जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके के बाद इलाके में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि यह धमाका कैसे हुआ यह अभी साफ नहीं हो सका। इस घटना में 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। घटनास्थल पर खून के निशान भी पाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डीएमएसपी और डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ ने पिछले 4 दशकों से अरबों रुपए की जमीनों पर अवैध कब्जा किया। जमीनों पर कब्जे के लिए किसी को धमकी दी तो किसी को रास्ते से ही हटा दिया। अब दोनों माफिया ब्रदर्स के खात्मे के बाद लोगों के बीच इंसाफ की आस जग गई है। दोनों लोगों को लगने लगा है कि उनकी जमीनों पर से कब्जा हटेगा। मीडिया खबरों के मुताबिक आतिक अहमद ने जिन लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया था उन जमीनों को लोगों को वापस दिलाया जा सकती है और इसके लिए सरकार विशेष कमेटी बना सकती है। जीएसटी के जुलाई 2017 में लागू होने के बाद से फरवरी 2023 तक यानी 6.5 साल के दौरान बिहार के 2294 करोड़ के कर चोरी का मामला सामने आया है। लेकिन वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से सक्रियता जानकारी खजाने में 1248 करोड़ जमा हुआ, बाकी के मामले अभी भी चल रहे हैं। विभाग ने कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया था जिस कारण से कई मामले सामने आए। इसमें अधिकांश कर चोरी का मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित में विशेष रूप से लोहा, सीमेंट और होजियरी कारोबार से जुड़े मामले थे। कांग्रेस के असम युवा इकाई के अध्यक्ष अंकिता दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए शनिवार को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। दत्ता ने भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इससे पहले उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केशव कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम को लेकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि यह महिला सशक्तिकरण पर उसका मॉडल है और लड़की हूँ लड़की लड़ सकती है का उसका नारा खोखला है। असम और नागालैंड ने विवादित क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज और उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है जिन्हें लंबित कर दिया गया था। बता दें कि संघर्ष के कारण अब लगभग 3 दशकों से बंद यह काम फिर से शुरू होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के उत्तर पूर्व में हाइड्रोकार्बन के लिए विजन 2030 के अनुसार नागा सुपेन बेल्ट में 555 MMTOE संभावित तेल और गैस के कारोबार अनुमानित संसाधन होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ने 2022 के मौसम को लेकर अपना आकलन जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि 2022 मौसम के लिहाज से इतना खराब साल था कि ऐसा लगा जैसे लोग इसकी वजह से अव्यवस्था का शिकार हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में पूरी दुनिया जानलेवा बाढ़, सूखे और लू से जूझती दिखाई दी। देश के कई राज्यों में अप्रैल महीने में गर्मी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों के हीट वेव की स्थिति है। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। वहीं ऐसे कई रिसर्च सामने आए हैं जिसमें कहा जाता रहा है कि अधिक गर्मी और हीट स्ट्रोक का असर आपके दिल पर भी पड़ सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर लापरवाही बरती गई तो इस बार की गर्मी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ज़्यादा गर्मी के दिनों में जब पारा 40 डिग्री क्रॉस करता है तो शरीर में पानी की कमी होती है और डिहाइड्रेशन होता है और इसका सीधा असर वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और हार्ट और किडनी पर होता है।
पाकिस्तान में इस साल होने वाले एशिया कप के आयोजन पर तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान के साथ विवादित संबंधों की वजह से भारत अपने क्रिकेटर्स को पाक नहीं भेजने की रणनीति पर कायम है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजम सेट्टी ने एशिया कप के आयोजन के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। पीसीबी ने एशिया कप में खेले जाने वाले भारत के मैचों का आयोजन पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने का प्रस्ताव दिया है। माफिया आतिक अहमद के पक्ष में शुक्रवार को लगातार नारे बिहार की राजनीति गर्मा गई। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में आतिक जी कहा। जदयू आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने आतिक के द्वारा विधायक राजू पाल और उमेश पाल की हत्या कराने पर पहले कभी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। यह महागठबंधन सरकार की तुष्टिकरण की नीति है। आतंकवादी अतीक को शहीद कहने वाले लोगों के इस देश के लाखों शहीदों का अपमान भी किया है। किसानों को उन्नत और समृद्ध तकनीक से खेती करनी चाहिए। इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा और केंद्र सरकार में ड्रोन से खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसान अपनी खेती में ड्रोन का उपयोग करें। इससे उनकी समय की बचत होगी और इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। एयर इंडिया कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने पायलटों की सेवा के प्रस्तावित संशोधित शर्तों को लेकर अपने चीफ एचआर ऑफिसर को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि एसोसिएशन के सदस्य 16 और 17 अप्रैल को एयर इंडिया एचआर टीम की तरफ से भेजे गए ईमेल को लेकर हैरान है। एयर इंडिया में कमांडर के रूप में 4 साल से काम करने वाले पायलटों को ईमेल भेजकर लिखा गया है कि बधाई, आपके सीनियर कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया है, जो एक कार्यकारी भूमिका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के अवसर पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम लोग जान दे देंगे लेकिन एनआरसी नहीं करने देंगे। हम दंगा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। देश का टुकड़ा नहीं करना चाहते। जो लोग देश का टुकड़ा करना चाहते हैं हम जिंदगी दे देंगे लेकिन देश का टुकड़ा नहीं होने देंगे। गर्मियों में ज्यादातर मिलने वाला टिंडा एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुनते ही घरों में बच्चे मुंह बिगाड़ने लग जाते हैं। भले ही आपको इसका स्वाद पसंद आए लेकिन इससे पहले सेहत को खूब सारे फायदे मिलते हैं। ये रंग रूप से बिल्कुल लौकी जैसा होता है। ये सुपर फूड की श्रेणी में आता है। टिंडे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसे गर्मी में खाना काफी फायदेमंद होता है। समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने बिहार को 8,100 करोड़ के बजट को हरी झंडी दे दी है। बिहार शिक्षा परियोजना ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए 14,250 करोड़ रुपए की मांग की थी। मंजूर किए गए बजट में बिहार के 2,253 प्लस टू स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए समुचित पैसा मंजूर किया है। केंद्र सरकार ने देश के दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के 5वें चरण की शुरुआत की। उड़ान 5.0 के तहत प्रदान की जाने वाले व्यवहारिक अंतर वित्तीय सहायता को प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऊपरी सीमा 600 किलोमीटर की दूरी पर निर्धारित की जाएगी, जबकि पहले यह 500 किलोमीटर थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि इसके अलावा इसके कोई पूर्व निर्धारित रूट पेश नहीं किए जाएंगे, केवल एयरलाइंस द्वारा प्रस्तावित नेटवर्क पर ही विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक के अध्यक्ष पद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक रिट याचिका पर नोटिस जारी की है। सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तय की गई है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग पिछले 4 महीनों से अध्यक्ष के बिना काम कर रहा है। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने अवैध रूप से भारतीय चैनलों को प्रसारित करने वाले केबल टीवी ऑपरेटरों के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी केबल टीवी ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि वे प्राधिकरण द्वारा अवैध घोषित या प्रतिबंधित भारतीय सामग्री का प्रसारण तुरंत बंद करें। प्राधिकरण ने कहा है कि केबल टीवी नेटवर्क पर वितरण के लिए पेमरा लाइसेंस धारी के अलावे किसी अन्य चैनल को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राधिकरण के कानूनों के अनुसार किसी भी उल्लंघन से निपटा जाएगा। विवेक अग्निहोत्री की किताब अर्बन नक्सल कोलकाता से के क्वेस्ट मॉल में साइनिंग इवेंट का स्थान बदलकर स्टार मार्क बुर्क शॉप साउथ सिटी मॉल कर दिया गया। इसकी जानकारी साझा करते हुए फिल्म मेकर ने ट्वीट में लिखा है कि मुझे बताया गया कि क्वेस्ट मॉल एक समुदाय विशेष का क्षेत्र है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं है। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है कि यह बहुत दुखद और खतरनाक है कि भारत में लेखक को भारतीय मॉल में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह इलाका में एक समुदाय का वर्चस्व है। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों को आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, एमडी साकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, अरुण दांगे और जितेंद्र ठाकुर। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मोटे अनाज को बढ़ावा देना कितना लाभदायक है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।